हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं हूं रणबीर कुमार शाही और आप देख रहे हैं टेक सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जीमेल के कुछ टिप्स के बारे में। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि वो जीमेल के जो न्यू टिप्स हैं वो क्या हैं और उसकी कुछ नई अपडेट्स है जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या ऐसी खास फीचर्स हैं। तो अभी आप सभी जानते हैं कि जीमेल जो है अभी तक की जो साइज प्रोवाइड करती थी अटैचमेंट की, वो उसकी साइज थी 25 MB। मेन कि अगर आप कोई अटैचमेंट आप शेयर करते हैं किसी दूसरे को, तो वहाँ पे आप 25 MB तक ही फाइल की साइज को सेंड कर सकते थे। अभी यहाँ पर देखिए, जैसे कंटेंट में दिया गया है कि अभी 25 की जगह आप 50 MB तक की फाइल रिसीव कर सकेंगे जीमेल यूजर्स। जीमेल पर अब 50 MB तक की फाइल रिसीव की जा सकेगी, पर भेजने के लिए फाइल का साइज अभी भी 25 MB तक सीमित है। मतलब 50 MB की फाइल रिसीव हो सकती है, लेकिन अभी भी जो इसकी लिमिटेशन है वो 25 MB तक ही है। अभी इससे ज़्यादा ये बढ़ाई नहीं गई है। अब 25 की जगह 50 MB तक की फाइल रिसीव कर सकेंगे जीमेल यूजर्स, और जीमेल पर अब 50 MB तक की फाइल रिसीव की जा सकेगी, पर भेजने के लिए फाइल का साइज अभी भी 25 MB है। अभी क्या है हाल में कि मौजूदा समय में ईमेल सबकी जरूरत है। ईमेल के जरिए लोग कई तरह की फाइल्स को अटैचमेंट के फॉर्म में भेजते हैं और रिसीव करते हैं। लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए जीमेल ने अटैचमेंट रिसीव करने की फाइल साइज लिमिट बढ़ा दी है। अब जीमेल यूजर 50 MB तक की फाइल रिसीव कर सकता है। इसके पहले यह लिमिट 25 MB तक सीमित थी। हालांकि अटैचमेंट भेजने के लिए फाइल की साइज लिमिट अभी भी 25 तक ही है। गूगल की ओर से रिकमेंड किया गया है कि जो लोग 25 MB से बड़े साइज की फाइल भेजना चाहते हैं, तो उन्हें गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करना चाहिए या करना होगा। गूगल ड्राइव से 5 TB 5 TB तक की फाइल शेयर की जा सकती है। गूगल के मुताबिक 3 दिनों में यह अपडेट सभी जीमेल यूजर्स तक पहुँच जाएगा। आप अब चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने जीमेल में। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर को ओपन करना होगा और ब्राउजर में आपको अपना जीमेल लॉगिन करना होगा। यहाँ पे मैं ऑलरेडी जीमेल लॉगिन कर चुका हूँ और यहाँ पर जीमेल का जो पेज बोले तो इंटरफेस, तो दोस्तों मैं यहाँ पर अभी कंपोज करने जा रहा हूँ। कंपोज यहाँ से आप मैसेज को शेयर करते हैं, तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन टू किसको भेजना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ जीमेल रणबीर शाही और सब्जेक्ट दे देता हूँ सॉफ्टवेयर। यहाँ पर कोई मैसेज हेलो। अब यहाँ आप आते हैं अटैच फाइल, तो फाइल को आपको अटैच करना है, क्लिक कर लीजिए। और यहाँ पर आपको जो भी आप डायरेक्टरी चूज कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर की फाइल या कोई भी वो फाइल जिसकी साइज 50 MB है, तो आप 50 MB से भी अधिक शेयर कर सकते हो। बट अभी हम देखिए, यहाँ पर एक वीडियो स्क्राइब डॉट MSI की एक फाइल है जिसकी साइज है 50 MB, यानी कि 50.4 MB। यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो नीचे जैसे ही मैं कर्सर लेके गया हूँ, तो उसकी एक नोटिफिकेशन बॉक्स छोटी सी दिख के आ रही थी। अगर चेक करना चाहें तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जा सकते हैं आप, और प्रॉपर्टीज में जा करके देखिए यहाँ पर इसकी साइज काफ़ी बड़ी है। ये फाइल की पूरी साइज दिख रही है, तो ये जो साइज है काफ़ी बड़ी है। तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि अभी यहाँ पर कुछ एरर आ रही है, तो मैं फिर से ट्राई कर लेता हूँ। इसको क्लिक करके यहाँ पे ओपन कर, सॉरी दोस्तों, एक्चुअली मेरे सिस्टम का नेट डिस्कनेक्ट था जिसके वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। चलिए फिर मैं फाइल को अटैच करता हूँ। यहाँ पर फाइल है और ये वीडियो स्क्राइबिंग सॉफ्टवेयर है, और यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पर एक मैसेज हमको मिल रहा है अटैचिंग फाइल के, योर फाइल इज लार्जर देन 25 MB, इट विल बी सेंट एज अ गूगल ड्राइव लिंक। अभी क्या हो रहा है, ये गूगल ड्राइव में इसको भेज रहा है, यानी कि सेंड कर रहा है, और ये डायरेक्टली गूगल ड्राइव से अटैच हो करके, और यहाँ पर इसकी जो लिंक क्रिएट होगी वो डायरेक्टली हमारे मैसेज बॉक्स में इंसर्ट हो जाएगी, जिसके जरिए आप अटैचमेंट फाइल को
एज अ लिंक के थ्रू आप शेयर करोगे। तो देखिए अभी ये अपलोड हो रही है, फाइल की जो साइज है आप देख सकते हैं आपके सामने है 50.4 MB। तो वेट कर लेते हैं दोस्तों, अभी ये अपलोड हो रही है, थोड़े समय में अपलोड हो जाएगी। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक मैसेज लिखा था हेलो, और उसके नीचे एक फाइल बन के आ गई और videosplayer.msi के नाम से। और एक्चुअली ये लिंक क्रिएट हो गया। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इस फाइल को सेंड कर सकता हूँ, ये फाइल शेयर एंड सेंड। तो यहाँ पर देखिए एक मैसेज मिल रहा है कि दिस ड्राइव फाइल आर नॉट शेयर विद द रेसिपिएंट, चेंज हाउ दीज फाइल्स आर शेयर्ड ऑन ड्राइव एनीवन विद द लिंक। कोई भी इस लिंक को व्यू कर सकता है। तो चलिए शेयर एंड सेंड पे क्लिक कर देते हैं और ये सेंडिंग हो गई। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ये मैसेज है नहीं सेंड, तो मैसेज को व्यू कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए एक फाइल यहाँ पर चली गई। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली क्या कर सकते हैं, क्लिक करके और नो प्रीव्यू अवेलेबल, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, कोई फाइल तो है नहीं कि प्रीव्यू दिखाएगा। तो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर डाउनलोड लिंक मिल रहा है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ और वो हमारे डायरेक्टली यहाँ से देखिए डाउनलोड आ गया। अगर मैं इसको डाउनलोड करना चाहूँ तो यहीं से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकता हूँ। तो मुझे डाउनलोड नहीं करना है क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है अपने सिस्टम में, तो मैं दोबारा से नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इसको कैंसिल करता हूँ। दोस्तों ये रहा है बहुत ही आसान तरीका, जो आप जीमेल के जरिए अगर 25 MB की फाइल से अधिक साइज आप सेंड करना चाहते हैं, जैसे कि 50 MB, 100 MB, तो इस तरह की फाइल सेव कर सकते हैं, काफ़ी लार्ज फाइल सेव कर सकते हैं। बट आपको इसमें थोड़ा सा ही ध्यान देना है कि आपको वो फाइल अपने गूगल ड्राइव से अटैच करनी होगी और उसके लिंक को यहाँ पर शेयर करना है आपको। तो आपको आपके गूगल ड्राइव में वो इंसर्ट भी नहीं कर पाएगा और आप दूसरे तक लिंक को भी शेयर कर सकते हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही मैं बताऊंगा, और साथ ही साथ जाने से पहले ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर अपडेट मिलती रहे। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।